सुकमा जिले के थाना भेज्जी और जगरगुंडा क्षेत्र में पुलिस ने 3 इनामी नक्सलियों के साथ 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक भेज्जी थाना क्षेत्र से आम नागरिकों की हत्या की घटना में शामिल 5 नक्सली आरोपियों के साथ जगरगुंडा क्षेत्र से विस्फोटक सामग्रियों के साथ 14 नक्सली आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रूपये का इनाम घोषित है। सभी गिरफ्तार नक्सली आरोपी विगत 8 से 10 सालों से क्षेत्र में सक्रिय थे। थाना भेज्जी से गिरफ्तार किए गए 3 नक्सली आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इन नक्सली आरोपियों को गिरफ्तार करने में भेज्जी थाना जगरगुंडा पुलिस बल, DRG 219, 150 वाहिनी CRPF और 201 वाहिनी कोबरा की अहम भूमिका रही। सुकमा जिले में थाना भेज्जी और जगरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था, और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली है जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनको पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड पर जेल किया।